आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में। और दोस्तों, आज का जो 18 तारीख को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट की मैं आंसर की लेकर आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, एग्जाम है ना, वो ज्यादा मुश्किल नहीं आया था। हरियाणा जीके तो बहुत ज्यादा आसान आई हुई थी, और जब हमने मैराथन क्लास डाली थी उसमें से 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आधे क्वेश्चन को छोड़ दो ना, टोटली अपने चैनल से ही हरियाणा HSSC की ये जीके आई हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन आया था दोस्तों, खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, धर्म भूमि नाम आती है दोस्तों, हमारे सामने आना चाहिए कुरुक्षेत्र। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं धर्म भूमि? कुरुक्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तीर्थराज, क्योंकि सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहां पर है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए युद्ध भूमि कौन सी है, तो युद्ध भूमि हमारी हो जाएगी दोस्तों पानीपत, और धर्म भूमि कौन सी हो जाएगी दोस्तों हमारी? कुरुक्षेत्र। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। दोस्तों, मैराथन क्लास में भी मैंने बताया था मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का क्या है? पहला स्थान, यानी फास्टेस्ट स्थान। मशरूम को क्या बोलते हैं दोस्तों? खुम्बी भी बोल दिया जाता है। और मशरूम हरियाणा के सबसे ज्यादा कहाँ होती है दोस्तों? खुम्बी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सोनीपत में होती है। नंबर नेक्स्ट आया दोस्तों, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया। सबसे पहले दोस्तों, करनाल का युद्ध आते ना, आपके सामने दो बातें आनी चाहिए कि करनाल का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। किसके बीच में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? करनाल का युद्ध। कब हुआ था? 1739 में। और इस युद्ध में दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और ये भारत से दोस्तों क्या ले गया था जाते टाइम? कोहिनूर हीरा ले गया था। और कोहिनूर के साथ साथ दोस्तों ये भारत से क्या ले गया था? मयूर सिंहासन ले गया था। हाँ, एक बात याद रखनी है दोस्तों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और इसको लूट कर कौन ले गया दोस्तों? नादिर शाह ले गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, पानीपत का जो थर्ड युद्ध था ना, वो 1761 में लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे तो कब लड़ा गया? 1761 में। अगर पूछे किसके बीच में लड़ा गया दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली के वर्सेस लड़े थे दोस्तों सदाशिव राव। कौन लड़ा था? सदाशिव राव के बीच में हुआ दोस्तों। सदाशिव राव की बजाय आपको दिखाएगा मराठी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों, करनाल के युद्ध से, पानीपत के युद्ध से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि हमारे करवाए हुए कुछ बच्चों के कमेंट आए कि जीके नहीं आई, तो आप हरियाणा के युद्ध के नाम से यूट्यूब पे एक वीडियो है दोस्तों, वो आज से कम 3 महीने पहले डाली हुई है, तो वो जाकर देखना। 5 क्वेश्चन एज इट इज हरियाणा के युद्ध से आए हुए थे दोस्तों। एक क्वेश्चन यही देखो, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? तो दोस्तों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां। और उसको लूट कर कौन ले गया दोस्तों? नादिर शाह। करनाल के युद्ध से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हुए थे। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, HUHM का अर्थ पूछा गया था दोस्तों। HUHM का क्या अर्थ रहेगा? HUHM इसका अर्थ रहेगा दोस्तों, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। इसका अर्थ क्या रहेगा दोस्तों? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अगर आइए, किससे रिलेटेड था दोस्तों? स्वास्थ्य से रिलेटेड था। जैसे हुड्डा की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसकी क्या रहेगी? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अब नेक्स्ट है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के साथ किसने लड़ा? पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था दोस्तों? अकबर वर्सेज हेमू। अकबर वर्सेज कौन लड़ा था दोस्तों? हेमू। तो इसने पूछा हेमू के साथ कौन लड़ा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आए दोस्तों, हरियाणा में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है दोस्तों फरीदा
वाद में। और फरीदाबाद में क्या ज्यादा है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है फरीदाबाद का, और हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, फरीदाबाद। और अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों, सिरसा का है। सिरसा दोस्तों क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन जनसंख्या घनत्व सिरसा का क्या है, सबसे कम। तो ये पूछा हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो हमारा आंसर था दोस्तों फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व हरियाणा में क्या रहेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा रहेगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, थारी पेंशन थारे पास, ये 2015 के दौरान योजना आई थी, ये किसके लिए आई थी दोस्तों, पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए। पेंशन में दोस्तों पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी योजना आई थी, थारी पेंशन थारे पास, थारी पेंशन थारे पास। अगर दोस्तों इसका इंपोर्टेंट है कि पूछे कब आई थी, 4 अगस्त 2015 को ये योजना दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के नाम से वीडियो डाली है उसमें देखना, थारी पेंशन थारे पास कब आई थी, 4 अगस्त 2015 को, क्या लाने के लिए, पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए आई थी। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, तिरिया के मजमू, तिरिया के मज मुम किसकी रचना थी दोस्तों, मैंने बताया था आप अगर आपको ना इस क्वेश्चन में दोस्तों किताबों में ना मिले और तुक्का भी लगाना पड़े दोस्तों, मैंने बताए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पॉइंट से आ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन हाली से आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको कनेक्ट क्या करना था, ये रचना किसके थी, अल्ताफ हुसैन हाली की ये रचना होती थी। और दोस्तों अगर आई इनका जन्म कब हुआ था, 1837 में इनका जन्म कहां हुआ था, अल्ताफ हुसैन हाली जी का पानीपत में हुआ था। और 1904 में इनको सरकार में कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों, शमशुल उलेमा की उपाधि दी थी। ये भी पेपर में आता है, सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है दोस्तों, उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है, हाली पुरस्कार। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, इसमें ना इंजीनियरिंग उद्योग का पूछ रहा है, तो इसमें ना मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वैसे इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद का फेमस होता है, हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए दोस्तों, वैसे आपका ये इंपोर्टेंट है, ये जो इंजीनियरिंग उद्योग है कहां का फेमस है, वैसे इसका फेमस है फरीदाबाद का, लेकिन दोस्तों हल्के इंजीनियरिंग उद्योग की बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग अंबाला की तरफ है जाता है। वैसे डायरेक्ट इंजीनियरिंग उद्योग पूछे तो दोस्तों कहां का फेमस था, फरीदाबाद का, तो हल्का पूछ रहा है तो इसका हिसाब से ये कनेक्ट किसकी ओर इशारा हो रहा है इसका, मेरे हिसाब से अंबाला पूछना चाहता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देहाती मेला कहां लगता है, कौन सा मेला, देहाती मेला लगता है दोस्तों हरियाणा के केथल में, कहां लगता है, केथल में पुंडरीक जगह पर कौन सा मेला लगता है दोस्तों, देहाती मेला। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, गुजरी महल हरियाणा के कहां पर है दोस्तों, इसार में है। अगर पूछे दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। इंपोर्टेंट है दोस्तों, गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है, कौन सी पहाड़ियों का, मोरनी पहाड़ियों का, तो दोस्तों मोरनी पहाड़ियों का जो उच्चतम बिंदु रहेगा वो रहेगी करो की चोटी। और दोस्तों करो की चोटी की ऊंचाई पूछी ना 1514 मीटर जो HSSC मानती है। एक्चुअल में दोस्तों करो की चोटी की ऊंचाई है 1467 मीटर, लेकिन हमें HSSC के हिसाब से ही चलना है। तो मोरनी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई दोस्तों, करो की चोटी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में अंतर जातीय विवाह के लिए नंदी पुरस्कार कितने का है, कौन किसके लिए पूछा दोस्तों, अंतर जातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज, इसके ऑप्शन के हिसाब से हमें उठाना है दोस्तों 1 लाख रुपए, लेकिन ये राशि वर्तमान में दोस्तों चेंज करके 2.5 लाख कर दी गई है, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से क्या रहेगी, नकदी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए रहेगी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में
यह घोषित किया कि स्मार्ट सिटी के रूप में हम किसको विकसित करेंगे। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी के लिए 2015 में किसको विकसित करने की घोषणा हुई, गुरुग्राम को। दोस्तों दो हरियाणा की सिटी स्मार्ट सिटी के लिए पहले थी और तीसरा कौन सा था दोस्तों, गुरुग्राम। आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों दो और कौन सी सिटी थी जो तीसरे नंबर पर गुरुग्राम है, इससे पहले दो और कौन सी सिटी थी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो खालिस्तान कहलाया। दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए पाशुपतास्त्र। क्या कहलाया दोस्तों, पाशुपतास्त्र कहलाया, जो भगवान शिव की कृपा से किसको प्राप्त हुआ दोस्तों, अर्जुन को। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमने वीडियो में डिस्कस किया था पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र के मैदान पर किसकी ओर से लड़े थे, तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ये पांडवों की ओर से नहीं किसकी ओर से लड़े थे दोस्तों, कौरवों की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से लड़े थे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना, हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में ये बताया था गुरुग्राम बना था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे दोस्तों, बड़े आसानी से कराया था, इसकी एक शॉर्ट ट्रिप थी घर जेके में। तो गुरुग्राम था दोस्तों, हिसार था, अंबाला था, रोहतक था, जींद था, करनाल था और महेंद्रगढ़। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का कौन सा, ये पूछा गुरुग्राम कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती, क्या पूछा दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन था अंबाला था, ऑप्शन था दोस्तों पंचकुला था और ऑप्शन था दोस्तों यमुना नगर। क्या ऑप्शन था, यमुना नगर। पूछा क्या, शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती और इसमें क्या था दोस्तों, सिरसा। जो शिवालिक का एरिया है दोस्तों, इसमें ना अंबाला भी आता है, पंचकुला भी आता है और यमुना नगर, तो क्या आएगा, सिरसा। और पिछले दोस्तों पेपर में क्या आया हुआ था, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सिरसा में होती है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या उठाना था, सिरसा। तो सिरसा आपको पता है दोस्तों शिवालिक के अंडर नहीं आता, तो इसमें से ये पूछा था शिवालिक की पहाड़ियां में कौन सा नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सिरसा हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल पूछा गया था दोस्तों, मैराथन क्लास में ये डिस्कशन हुई थी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल के बारे में। हरियाणा का दोस्तों जो प्रथम राज्यपाल था वो था धर्म वीर भारती। प्रथम राज्यपाल दोस्तों हरियाणा का कौन था, धर्मवीर भारती हरियाणा के क्या थे, प्रथम राज्यपाल। दोस्तों अगर पूछ ले सबसे कम कार्यकाल किसका था, ओम प्रकाश वर्मा मात्र 5 दिन हरियाणा के क्या बने थे, राज्यपाल। सबसे लंबा पूछे तो दोस्तों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की सीमा खालिस्तान सीमा पर बहती है, यमुना नदी दोस्तों हरियाणा की किस सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा पर बहती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल आ सकता है यमुनोत्री। यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री जो आपका दोस्तों यूके में रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा की सीमा किससे अलग करती है, तो यमुना नदी दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी रिवर बहती है, यमुना रिवर, जो हरियाणा की सीमा किससे अलग करती है, यूपी से अलग है करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की प्रमुख रिवर कौन सी है, यमुना। तभी तो हरियाणा और पंजाब में इसको लेकर विवाद चल रहा है, SYL सतलुज यमुना लिंक को लेकर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर रहता है। दोस्तों अंबाला का एरिया में हमने पढ़ा था कौन कौन सी, अंबाला का एरिया जो पीछे आया था शिवालिक की पहाड़ियां, अंबाला, पंचकुला और यमुना नगर, तो शिवालिक के अंडर में है, तो ये किस पर रहेगा निर्भर, नहर पर। किस पर रहेगा दोस्तों,
नहर पर। यहाँ दोस्तों वर्षा भी ज्यादा होती है और ये पूछा अंबाला जिला सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहता है, नहर पर रहता है दोस्तों। यहाँ पर वर्षा भी बहुत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्षा भी होती है और ये निर्भर किस पर रहता है दोस्तों, नहर पर रहता है। ये थे दोस्तों ग्रुप डी के जो हरियाणा ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े आसान क्वेश्चन आए थे दोस्तों। आपने हमारे चैनल पर अगर विजिट की है, सभी वीडियो देखी है, तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी हमारी कराई हुई वीडियो में से क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों और भी जो हमारे एचएसएससी के जो अन्य पेपर हुए हैं रीजनिंग के और जो हमारे मैथ्स की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो दूसरे चैनल पर मेहता क्लासेस पर और जीके भाई प्रदीप सर दोनों पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।